ये अंदर कोर्ट में बहुत समय से एक कार्यक्रम पेंडिंग था, तो फहीम अहमद जी हैं, उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही हमें ये लगा कि आज यहाँ पर एक सभा कर ली जाए, लोगों को जानकारी भी दी जाए और लोगों के अंदर की बात बाहर लाई जाए। अंदर की बात ये कि लोग, जैसा हम सब जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति से लोग दुखी हैं। अब लोग जानते हैं कि उनके टैक्स का जो पैसा है वो दिल्ली की सरकार उनको लौटाने की मुहिम कर रही है, तो इसलिए लोगों का साथ, लोगों का बहुत समय से फ़ोन भी आ रहे थे, तो साथ मिल रहा है लगातार। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सभा आज करी गई जिसके अंदर फहीम को जोड़ा गया है। आगे देखिए और क्या होता है। देश में बढ़ती महंगाई के, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, किस तरह की क्या महंगाई के विरोध के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार मुहिम चलाती आ रही है। शुरू से जब भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े, गैस के प्राइसेस बढ़े, हम लोग लगातार वो कर रहे हैं। बिजली के दामों के कारण बिजली की हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे बहुत जल्द अजमेर के अंदर और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। आने वाले जो इलेक्शन है मैडम, उसमें आप अपनी पार्टी के कुछ उनको खड़ा करेंगे? आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी।